ठीक है, मोशन ग्राफिक एक नया शॉट बनाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज चेंज करता हूँ, क्या जैसे मैंने यहाँ पे चूज को मैंने मैनेज किया सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे क्या करते हैं ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना है, टॉप से बनाया मुझे फ्रंट में लेके आना, तो फ्रंट में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे 45 है, 45 से भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे और ऐसे कर दें, तो देखो चीज़ें सेम टू सेम रही मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, आप लेफ्ट में देखो, अभी आपने लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट में आपको यहाँ पे क्या ये लाइट आपको ऐसे दिखा यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे शिफ्ट एंड क्यू रेंडर करके देखो तो रेंडर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम चीज़ आपका ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सपोज मैंने छोटा सा पार्ट लिया यहाँ पे, अभी टॉप से मेरे पास यहाँ पे काम हो गया है। ठीक है, तो मुझे टॉप अब इसको बनाना है, टी फॉर टॉप। ठीक है, टॉप से मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे एक हेलिक्स यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ क्या पे। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें मिलेगा हेलिक्स, हेलिक्स यहाँ पे गए। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ हेलिक्स को समझते हैं। हेलिक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट में बस दिख रहा है, तो कर्व है यहाँ पे, तो रेडियस। ठीक है, रेडियस 1 और 2 मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ एक पार्ट चाहिए। ठीक है, हाइट ऐसा कुछ है, टर्न में यहाँ पे एक दो टर्न देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके पॉसिबल है, मैंने ऐसे दिखाया भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो मैंने ऐसा थोड़ा सा पार्ट दे रखा है भाई, ऊपर से ब्रॉड नीचे से वहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करूँ, और यहाँ पे मैं तो ऐसा यहाँ पे क्या इसका मैंने बनाया पर्सपेक्टिव, अभी हमने हेलिक्स से बनाया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक दो चीज़ और यूज़ करता हूँ, जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो यूज़ करते हुए हमें पार्टिकल सिस्टम देखा हमने यहाँ पे। ठीक है, पीएफ सोर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या स्प्रे है, एक स्प्रे हमने देखा था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्प्रे में सुपर स्प्रे देखते हैं, सुपर स्प्रे ज़्यादा बेटर। ठीक है, अभी आप सिंपल प्ले करते हैं, सिंपल ही जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको हम लोग देखें एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे क्या इसको मैंने लिंक करके, ठीक है अभी हमारा काम किया है नहीं क्या पे लिंक हुआ नहीं, पहले देखते हैं क्रॉस चेक किया मैंने लिंक, लिंक से नहीं तो बाइंड से भी एक बार काम करते हैं। ठीक है, बाइंड पर भी काम करते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे बस कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेट मी क्रॉस चेक यहाँ पे, क्या इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो लाइक ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी इसी के टिप्स एंड ट्रिक्स और भी आते हैं क्या, जैसे मैं कोई शेप्स को यहाँ पर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो लाइक एक काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिलता है, यहाँ पे आप एनिमेशन पे कॉन्स्टेंट पे गए, कॉन्स्टेंट में यहाँ पे पाथ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है ये ऐसे 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 ट्रेवल करता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पाथ कॉन्स्टेंट में मेरे पास अच्छा काम कर जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पर तो से इसको देखो ये पार्ट मैंने सॉरी आराम से थोड़ा सा एक बार स्नैप किया मैंने यहाँ पे, दूसरे बार मैंने स्नैप किया यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्टिकल्स को आप ऐसे टर्न करके दिखा सकते हो। पार्टिकल्स टर्न करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पार्टिकल्स में यहाँ पे अगर मैं नंबर दे दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास होने चाहिए यहाँ पे। यहाँ से मैंने चीज़ को मैनेज किया, तो ये पार्ट में ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर्स बार दूँ, पार्टिकल टाइप है मेरे पास यहाँ पे और पार्टिकल जनरेशन यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करते हैं पार्टिकल जनरेशन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी आप यहाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है मेरे पास ये इसके साथ जाना है ना, इसका कैसे जाना है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा और बढ़ाया यहाँ पे, 1000 थोड़ा सा और ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, स्पीड है, स्पीड अगर मैंने यहाँ पे किया देखो स्पीड, ठीक है ना, अभी स्पीड के साथ देखा तो मेरे पास स्पीड कैसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, शेप्स मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है, शेप्स को मैंने यहाँ पे सेट किया। ठीक है, आपका इमिट स्टॉप है, इमिट स्टॉप को अगर मैंने कर दिया 100, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे आप कोई चीज़ बनाओगे ना, किसी चीज़ को बनाने में टाइम लगता है क्या यहाँ पे। ठीक है, अभी ये बात मैं ऐसे दिखा दूँ, बस अभी यहाँ पे कर्व में क्या देखेगा, सिर्फ एक लाइन वाइज चीज़ देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे रेंडर में क्या देखने वाला है ये क्वेश्चन करो, देखो यहाँ पे रेंडर पे ऐसे देखने वाला है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में थोड़ा सा रहना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, देन इसके बाद मेरे पास यहाँ पे बेसिक पैरामीटर मुझे पता है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो स्पीड थोड़ा सा मैं यहाँ पे देना पड़ेगा, ये नहीं होगा तो अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्रॉस चेक करो तो यहाँ पे अगर आपको किसी पाथ पे लेके जाना है, तो मैं एक शॉर्ट वाइज देखना पड़ेगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। अभी मुझे अगर ऐसा कोई दिखाना है तो मैं ऐसा कोई दिखा सकता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे स्विफ्ट एंड क्यों, मुझसे ऐसा कुछ आ रहा किसी को टर्न करते दिखाना, तो मैं टर्न करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ मेरे पास क्या, एक तो हमने देखा लाइक पाथ कॉन्स्टेंट यहाँ पे, देखा यहाँ पे
एनिमेशन लाइक कॉन्स्टेंट में हम यहाँ पे यूज़ करें तो कॉन्स्टेंट किस टाइप से यूज़ करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या काम आएगा। ठीक है, तो एक लेवल मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ ऐसे भी कुछ करके। यहाँ पे चीज़ें मेरे पास अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने पार्टिकल्स दिखाया, पार्टिकल्स को यहाँ पे अलग अलग वे में मैं रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। टेक्स्ट है, मैथ्स है, मैथ्स करोगे मैथ्स भी दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी चीज़ों को मैं ऐसे थोड़ा सा मैनेज करते रहना कि हम लोग चीज़ों को कैसे और किस टाइप से बैलेंस कर सकें। यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने दिया, अभी मैं इतना ठीक है, मेरे पास यहाँ पे काम आ रहा है, सेव किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इमेज एक बार सेव कर लेता हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कर दिया जिप पैक। ठीक है, अभी इसमें सोचो इसमें आप 10 टाइप की चीज़ें बना सकते हैं क्या। अभी ये मेन चीज़ आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कैसे क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। अभी अभी सोचो अगर मैंने यहाँ से ये पार्ट मेरे से यहाँ पर जा रहा है, मैं इसे थोड़ा सा रोटेशन देखे देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ से कैसे जा रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है, ऐसे भी काम आ रहा है इसका। तब देखो यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट है, लाइफ मैंने यहाँ पे दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं चीज़ों को और अगर मैं मैनेज करना चाहूँगा, फीचर्स बहुत हैं क्या, साइज़ बड़ा करना चाहूँ साइज़ बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दिया स्पीड मैंने दे रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ट्रेंगल यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ और भी हैं। ठीक है, क्यूब बना चाहो आप क्यूब भी दिख रहे देखो यहाँ पे। अभी आप क्यूब में देखो तो क्यूब में कैसे दिख रहा है आपके यहाँ पे, छोटा सा क्यूब दिख रहा है ये, छोटे छोटे क्यूब कैसे आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इसका साइज़ अभी अब जैसे मैंने क्यूब यहाँ पे किया तो क्यूब का करने के बाद साइज़ है मेरे पास यहाँ पे वेरिएशन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरे पास स्प्रेड वेरिएशन वेरिएशन आप दे सकते हो यहाँ पे, बहुत अलग अलग दिखेगा यहाँ पे। और मेरे पास यहाँ पे देखो कहीं साइज़ भी था, स्प्रेड वेरिएशन वेरिएशन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दे सकते हैं, वेरिएशन आएगा एमिट पार्ट के लाइफ साइज़ यहाँ पे देखो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे चीज़ों को चीज़ें यहाँ पे देखें यहाँ पे अलग अलग पार्ट में, यहाँ पे इंस्टेंस ज्योमेट्री, इंस्टेंस ज्योमेट्री भी मैं यहाँ पे अगर मैं किसी को लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। जैसे इंस्टेंस ज्योमेट्री में क्या हुआ, जैसे सपोज मैंने कोई डायमंड बनाया, ठीक है, मैं डायमंड ले सकता हूँ यहाँ पे। अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पार्ट लिया, जैसे मैंने टी पॉट लिया, टी पॉट वैसे हैवी होता है। ठीक है, तो मैं एक बार टी पॉट लेके जाता हूँ, टी पॉट लिया मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ टी पॉट ही इसका जगह देखिए, बात समझ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई में यहाँ पे जैसे मैं इंस्टेंस लेना है तो यहाँ पे पिक ज्योमेट्री करेंगे यहाँ पे देखा भाई, देखा टी पॉट आया क्या यहाँ पे। तो आप ऐसे भी करके आप मैनेज कर सकते हैं, देखो साइज कितना बड़ा है, चीज़ों करता है देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखा यहाँ पे आप चीज़ों को दिखाओगे आप यहाँ पे तो चीज़ों का पैसे भी दिखा सकते हैं भाई। ठीक है, अभी आप इसको जब रेंडर करके देखो तो आप यहाँ पे टी पॉट ही दिखेगा आपको, कोई भी ज्योमेट्री जो आप चाहते हो वो ज्योमेट्री आप पिक कर सकते हो क्या आप यहाँ पे। देखो जितना ज्योमेट्री हैवी होगा वो थोड़ा टाइम लेगा, अभी एक टी पॉट में कितने पॉलीगन्स वर्टेक्स सब कुछ होंगे तो उसके बाद में टाइम लेगा क्या। ठीक है, देखो यहाँ पे आप जूम करके देखो तो टी पॉट दिखेगा। ठीक है, अब टी पॉट है तो बहुत हैवी भी दिखने वाला है, तुम लोगों ने जस्ट दिखा है कि इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेसिक में। यहाँ पे जस्ट बॉक्स ही कर दो, बॉक्स में ले ज़्यादा बेटर है, बॉक्स से यहाँ पे ठीक है बॉक्स आप कर दो तो ज़्यादा बेटर देखें, छोटी चीज़ लो जिससे आपको चीज़ें अच्छी दिखें यहाँ पे। तो आपका एक ऑप्शन ये भी मिल जाएगा, आप इंस्टेंस में ऐसे कुछ एक पार्ट ले सकते हो, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट भी लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, कहाँ गया मेरे पास यहाँ पे, ये यहाँ पास ठीक है रिस्ट वन, तो यहाँ से आप इंस्टेंस में चेंज कर लोगे तो इंस्टेंस आप चेंज करके दिखा सकते हो। अगर आप इंस्टेंस चाहिए तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपको अपने मनपसंद का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपके पास ये ऑप्शन मिल जाएगा, या आप यहाँ पे ठीक है अपन ये सारे पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा रेंडर में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन अभी हम लोग रेंडर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, ये हमने थोड़ा सा देखा। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों का देखना है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे पार्टिकल सिस्टम हमने देखा, पार्टिकल सिस्टम में अलग अलग चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सबको, एक बार जस्ट छोटा सा ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें डिटेल में आओ, डिटेल बहुत कुछ है। जैसे सबसे मेन चीज़ आपको आपका पी एफ सोर्स, ठीक है, पी एफ सोर्स में क्या होता है इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइक आप इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सबसे एडवांस में काम यही करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या पार्टिकल व्यू आता है क्या, पार्टिकल व्यू के अंदर सेम चीज़ जो हम लोग वहाँ पे पैरामीटर देखें वो पैरामीटर आपके पास यहाँ पे ऐड ऑन करके देते हैं यहाँ पे। पोजिशन आइकन क्या है, सेम चीज़ बर्थ आपके पास यहाँ पे क्या है, इमेज स्टार्ट एंड एंड कैसा है यहाँ पे। ठीक है, पोजिशन एंड स्पीड किस टाइप से काम कर देते हैं भैया, कैसे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे है तो आप इसे थोड़ा सा देखोगे। रोटेशन है, रैंडम थ्री डी, हॉरिजॉन्टल तो आप यहाँ पे कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में किस टाइप से काम करने वाला है, देन तो आप प्ले करोगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्या। ठीक है,
ठीक है, स्पेस ट्रैप यहाँ पे कुछ और चेंज करके देखो तो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको देखना है डिस्प्ले में क्या क्यूब दिख रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन है, टेक्स्ट को चेंज करो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई ज्योमेट्री ले सकते हैं। टेक्स्ट में क्या मैंने अभी ज्योमेट्री कहता, तो क्यूब दिखना स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बाई डिफॉल्ट चीज़ें में बस बहुत सी चीज़ें, डायमंड देखो, डायमंड ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, डायमंड का पार्ट यहाँ पे अलग अलग चीज़ आपको मिल जाएगा। बाई चांस नंबर्स है, अभी आपको नंबर्स कुछ ऐसे करना है, सपोज मुझे यहाँ पे क्या काम करना, मैंने इसको लिया और इसको मैंने रोटेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज पॉसिबल, मैंने इसको यहाँ पे दिखाया, मेरे पास नंबर्स ऐसे गिरता नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे चीज़ कैसे हैं, डिस्प्ले शेप्स हैं, शेप्स यहाँ पे आप चीज़ साइज छोटा बड़ा, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे पोजिशन में, देखो अब यहाँ पे क्या है नॉर्मल रैंडम थ्री, तो आपने रैंडम कर दिया, तो रैंडम में आप यहाँ पे काम करो, ठीक है। अभी आप इसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, और देखो यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से दे सकते हो, साइज है आप यहाँ पे साइज आर प्रेस करके इसे भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इधर से भी आपका मैनेज है, और बाई डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है। देखो छोटे छोटे पार्ट है जिनको मैं अगर यहाँ पे यूज़ करूँ तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे सिंपल शिफ्ट एंड क्यू, तो नंबर्स पे आपको देखेंगे आप नंबर्स कैसे प्ले करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी चीज़ें इसे देखने के बाद आपको यहाँ पे काम आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल में जाओगे, डिटेल में मैं आपको एक तो आइडिया और दे देता हूँ यहाँ पे, बाकी आप देखोगे एडवांस में चाहिए तो आपको यहाँ पे चैनल पे मैंने वीडियोज डाल रखे हैं, तो उसको भी आप कवर कर सकते हो भाई कैसे क्या काम करना पी एफ सोर्स के बारे में। तो ये मैंने एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दिया कि अगर आप ऐसे कुछ काम करना चाहो तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो। कुछ पार्टिकल्स इधर से भी हैं और कुछ पार्टिकल्स आपको साइड बाई साइड भी हैं, तो आप यहाँ पे चीज़ को अगर मैनेज करना चाहो तो ऐसे करके आप एक दो शॉट आप बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे देखा ये बेसिक चीज़ें क्या, बेसिक चीज़ आप ट्राई करके देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप यहाँ पे चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पी आर ए में आप चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहते हैं, पिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे किया, पिक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया टी पॉट लिया, मैंने यहाँ पे पी एफ सोर्स में स्टैंडर्ड में किया और मैंने यहाँ पे क्या किया टी पॉट लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो आप यहाँ पे मैनेज करोगे, ठीक है। पिक ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी आप पिक ऑब्जेक्ट से करो तो पिक ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट से कुछ चीज़ आप एमिट करवा रहे हो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से आप चीज़ को एमिट करवा सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर आपको लगे कि आपको यहाँ पे चीज़ को डॉट निकालना है मैश निकालना है तो आप ऐसे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट चीज़ों को आप देखोगे तो आप चीज़ों को बहुत लाइक अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या। तो ये क्या हुआ कि आपने जैसे सोचा कि मुझे मोशन ग्राफिक्स से कुछ चीज़ें मुझे गिरानी है, ठीक है, तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने काम किया, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक एंड हाइड कर दूँ यहाँ पर, हाइड हो जाएगा यहाँ पर मोशन ग्राफिक दिख रहा है, मैंने मोशन ग्राफिक को पिक करना है, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ पे क्या किया, पी एरे को पकड़ा मैंने यहाँ पे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। शॉर्ट्स आप देखो ना, इससे शॉर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा निकल गए हैं आप यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे। अभी मैंने क्या किया, दिस वन पिक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे देखा पे देखा, ये पार्ट में यहाँ पे ऑल्ट क्यों एक ही में कर रखा है क्या यहाँ पे ऑल यहाँ पे, ठीक है। बस ग्रुप है ना, अब ग्रुप को पहले ओपन करके ग्रुप एंड अनग्रुप करना था, अनग्रुप कर सकते हैं, ओपन करना था ओपन करना था, ओपन कर लो यहाँ पे, ठीक है। बस कहाँ गया, बस वो पी एल ए था यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी क्रॉस चेक यहाँ पे एक बार, ठीक है। मैं अलाइड नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक मैं ले जाता हूँ कि कहाँ गया मैं, बस पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पी एल ए लिया यहाँ पे, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडिफाई में गया, पिक ऑब्जेक्ट से आपने देखा। अभी क्या होगा, ये पिक ऑब्जेक्ट से यहाँ पे देखा, आपके पास ग्राफिक्स से आपके यहाँ पे चीज़ें एमिट होने लगे यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी कर लो, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दो, हंड्रेड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, स्पीड है, स्पीड आप दिखा सकते हो आप, देखो मैंने स्पीड को कम कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जेड प्रेस किया मैंने यहाँ पे, नंबर्स में बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैंने 5000 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने ग्राफिक वर्ड को अगर मैं हाइड करते हैं जस्ट स्टेज, देखो राइट क्लिक एंड हाइड। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिखने वाला है, यहाँ पे आप देखोगे तो शिफ्ट एंड क्यों, तो थोड़ा सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और देखेंगे आप, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ हल्का सा बहुत लाइट से पार्ट दिख रहा है, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री थोड़ा सा चेंज कर दूँ यहाँ पे, जब मैं ज्योमेट्री है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया दिस वन, ठीक है, डॉट्स हैं यहाँ पे, साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ यहाँ पे, ठीक है। और सेम चीज़ पार्टिकल टाइप है, पार्टिकल टाइप में मैंने आपको बताया क्यूब्स कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले में देखो यहाँ पे डिस्प्ले का कहाँ ऑप्शन है यहाँ पे,
डायरेक्शन यहाँ पे गए, यहाँ पे अचीव गए कि यूज टोटल यहाँ पे ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप ऑब्जेक्ट देखा पे ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट फ्रेगमेंट के ऐसा देखिएगा आपको यहाँ पे ठीक है, देन आप यहाँ पे चूँकि दिखाओगे आप यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे क्या है, बस ऑब्जेक्ट फ्रेगमेंट क्या मैंने यहाँ पे और चीज़ को और मैनेज कर सकते हैं। आइकॉन है, पार्टिकल एमिटर है ठीक है, यहाँ देखो बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक आप इसमें देखोगे ना इतनी सारी चीज़ें, जब आप चीज़ों को देखोगे तो आपका आइडिया मिलेगा क्या एक चीज़ से घूमने बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं यहाँ पे ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या पार्ट में देखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेसिक पैरामीटर है मेरे पास, जनरेशन मैंने किया यहाँ पे ठीक है, पार्टिकल साइज इमेज रोटेशन है, पार्टिकल साइज यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये ओपन ही स्टैंडर्ड पर जाकर ये ओपन हो गया यहाँ पे, एक बार क्रॉस चेक करो यहाँ पे तो यहाँ पे होगा देखिए यहाँ पे आए ना यहाँ पे, तो आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे लगे कि आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे बैलेंस करके दिखा सकते हो। मैंने 500 कर दिया यहाँ पे, बस समझ आ रहा है चीज़ साइज भी हमने बढ़ा रखा है क्या, जिस साइज बढ़ाए तो यहाँ पे चीज़ कैसे दिखा रखे, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पर, तो यहाँ तक है तो मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, तो प्लस पार्टिकल्स नंबर्स कम होंगे तो वो भी ऐसे दिखने वाला है, देखो यहाँ पे मैं नंबर्स बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे बढ़ रहा है भाई नंबर्स बढ़ाने के साथ उसमें सेगमेंट भी होना ज़रूरी है। साइज़ देखो साइज मैंने यहाँ पे कितना किया, साइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करके देखना पे, तो यहाँ पे देखो आए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी दिखा सकते हो। अभी इसको आप एनिमेट करना चाहो एनिमेट करते हो, उसको पार्टिकल को एक बार दिखा के एकदम ऊपर से नीचे करना चाहो, ग्रेविटी लगा के भी गिरा सकते हो, तो कई ऐसे इफेक्ट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ठीक है। अभी देखो इसमें कई चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, जैसे पीक क्लाउड है, तो पीक क्लाउड क्या काम करें यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखना ये सिंपल सा पार्ट, यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक सिंपल सा पार्ट स्पेयर ले लें यहाँ पे, या फिर टीपॉट ले लें यहाँ पे, आइडेंटिटी के लिए टीपॉट में बढ़ गया यहाँ पे ठीक है। इसको सिलेक्ट कर देते हैं, मॉडिफाई में गए यहाँ पे देखो पिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने पिक कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ लाइक शिफ्ट एंड क्यू यहाँ पे करके देखो यहाँ पे स्टॉप करो आप यहाँ पे ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मेरे पास चीज़ें ऐसी हैं जस्ट आपको थोड़ा सा प्ले करना है, डॉट्स हैं ट्रिक्स हैं यहाँ पे ठीक है, आप कितना एरिया आप यहाँ पे ले सकते हो, आप यहाँ पे बॉक्स स्पेयर स्प्लेंडर ठीक है, ऐसे करके आप काम कर सकते हो। पार्टिकल जनरेशन आप सिंपल से चीज़ों का ऐसे जनरेट करोगे ठीक है, जस्ट प्ले करोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ दिखेंगे भी आप कैसे क्या काम करने वाले हो यहाँ पे, देख रहे हैं आपके यहाँ पास यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को आप मैनेज करने वाले हो, तो आप उसके साथ प्ले करोगे आइडिया मिलेगा कि रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हो, रैंडम डायरेक्शन में कैसे जा रहे हैं यहाँ पे। स्पेयर किया मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट्स मैं तो डील कर सकता हूँ यहाँ पे, अभी कोई भी इफेक्ट आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, कि आप इसको पार्टिकुलर यूज़ करो तो आपका काम हो जाएगा, ऐसे करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। चलो मैंने यहाँ पे चीज़ को मैनेज किया यहाँ पे चीज़ को देखा यहाँ पे, अभी एक छोटा स्पॉट और देख लेते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको मैं थोड़ा सा लाइट लेता हूँ पे ठीक है, फाइल को जैसे मैंने अंडो किया यहाँ पे और एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है, तो पार्टिकल्स हम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं बस दिख रहा है, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या हेयर एंड फर है यहाँ पे ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे तो उसमें दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया दिस वन डिलीट किया मैंने यहाँ पे ठीक है, डिलीट कर देता यहाँ पे एंड देन डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है, जेड फोर जूम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ राइट क्लिक करना है ऑल ठीक है, मुझे भी बाकी चीज़ों के साथ अभी काम नहीं करना, बाकी चीज़ें मतलब जैसे इसका मैंने काम कर लिया इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, मैंने हटा दिया ठीक है, पाथ को मैंने रिमूव कर दिया, ये पार्ट मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ तो ठीक है। इमेज ग्राफिक है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको सेट किया, अभी इसके अंदर मुझे पहले सेगमेंट नहीं है मेरे पास ठीक है, एच एस डी एस सेगमेंट दिख रहा है आपके यहाँ पास यहाँ पे, आप इनमें सेगमेंट ले सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट्स, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप इनमें करो आप सब डिवाइड करो सब डिवाइड करो सब डिवाइड करो, इसको डिवाइड करने का मतलब क्या, मैं यहाँ पे सेगमेंट क्यों दे रहा हूँ बताता हूँ ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे सेगमेंट ना होता, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया हेयर एंड फर लिया मैंने यहाँ पे, देख मैं मेमोरी लिमिट मैनी टू बी एक्सीड ठीक है, ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे ये काम नहीं करने वाला, मैंने यहाँ पे क्या लेवल फोर को
जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होगा उतना ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो और तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ले लिया, मॉडिफाई पे गए, यहाँ पे मैंने लिया हेयर एंड फर, ठीक है। अभी देखो अपने सामने फर आपको बाई डिफॉल्ट बहुत बढ़िया से दिखने वाला है। ठीक है, ये फर आपके यहाँ पे दिखेगा। फर को आपको कैसे डील करना है आपके यहाँ पे देखो, सिंपल सा पार्ट। आपके कलर है, कलर देना चाहो कलर दे दो आपके यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड सिंपल मैं मटेरियल को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल स्लॉट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या जर्नल है, जर्नल में मैंने क्या किया, सरफेस आर्नोल्ड, ठीक है। फिजिकल मटेरियल ले लूँ, ठीक है। मैंने क्या रखा फिजिकल मटेरियल, यहाँ पे मैं तो उस चीज़ को जस्ट अप्लाई कर दें पे, देखिए कलर अप्लाई होता है कि नहीं होता है पे। ओके, लाइक दिस वन, देन अप्लाई करके देखो आप यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ में मैनेज करता हूँ, मैं सरफेस में ही आया, ठीक आया, कलर चेंज हुआ, ठीक है। आप इसको अलग टाइप से मैनेज कर सकते हो। अब हेयर फॉर है तो आप इसको कैसे दिखाने वाले हो, हेयर स्टाइल है, आप हेयर स्टाइल आप यहाँ पे कॉम कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मैनेज करना है, आप यहाँ पे अपने यहाँ पे मैनेज किया, यहाँ पे मैनेज किया, यहाँ पे मैनेज किया, ओके, और देन ठीक है ना, आप ऐसे करके कॉम भी कर सकते हो। आपको कुछ ऐसे इस जगह को शेप आपको दिखाना, आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रोटेशन है, रोटेशन देना चाहो रोटेशन मिलेगा आपको यहाँ पे, तो जस्ट आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। देखा ओके, इसी के जस्ट पैरामीटर्स हैं। अब इन पैरामीटर्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कलर है तो कलर आप यहाँ पर देना चाहो, मटेरियल पैरामीटर आप यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे देखना ये कुछ एक पार्ट में आप दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मटेरियल पैरामीटर में एक मिनट, इट्स नॉट वर्किंग, देखिए मैं फाइल दूँ पे पार्टिकल व्यू, देखो अभी यहाँ पे काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखना क्या इसके बेसिक पैरामीटर है, बेसिक पैरामीटर में आपको काफ़ी चीज़ मिलने वाला है, डिस्प्ले में क्या काम है, ठीक है, फ्यूज यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे, ठीक है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, देखेंगे तो काम करेंगे, और फिर उसका एक्टिव करने के बाद हम लोग सेलेक्ट किया तो एक्टिव हो गया, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप देखो स्टाइल है, हेयर स्टाइल देखा, ठीक है। स्टाइलिंग या ऑन ऑफ करोगे तो आपका यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। टूल्स लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ देखो रिकॉम स्प्लाइन, यहाँ पर लोड प्रेशर भी है, आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई प्रेशर जैसे आपको ट्रॉल वैसे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे तो आपको लोड करना है, लोड करके आप कोई भी चीज़ को वैसे जस्ट कॉल करके देख सकते हो आप यहाँ पे। चीज़ें हैं बहुत, लाइक इसमें आपको लाइक डिटेल में जाके काम करना पड़ेगा, मैं चीज़ को आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, इसमें आप जाके देखोगे तो 3DS MX, अच्छा ये देखो 3DMX का हेयर एंड फॉर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। करेक्टर के लिए आप हेयर एंड फॉर यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और बाकी चीज़ के लिए भी जैसे आप ग्रास बनाओगे ना तो भी आपके यहाँ पे मिल जाएगा, क्या GRASS, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ हम लोग काम करें तो ऐसे कुछ काम कर सकते हैं कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना, तो ऐसे भी चीज़ों को फसल किया जा सकता है। तो एक बार ट्राई करके देखोगे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, वो वाली फाइल क्रैश हो गई। तो चीज़ों को देख के आपको इन चीज़ों को मैनेज करना और देखना है क्या।